आदरणीय मंच और कैसे निकलोगे? ऐसे जाओ साथियों, पार करोगे सामने, जल्दी जल्दी जल्दी। हमारे साथी डॉक्टर रतन लाल जी बता रहे थे आपकी जो मांगे हैं, आपकी जो समस्याएं हैं उससे हम वाकिफ हैं। जो बजट में कटौती हुई है 30% आपको अपने जुगाड़ करना है, वो 70% भी देंगे और भी समस्याएं हैं जो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं उनको पहले बोनस मिलता था वो 2 साल से बंद है और जो छात्रों की समस्याएं हैं उससे तो हम लोग बराबर ही जूझ रहे हैं, चाहे JNU हो, चाहे DU हो, चाहे दूसरे यूनिवर्सिटीज के छात्र हो, छात्रों के साथ तो ऐसा लगता है कि सरकार उनको शत्रु मान करके, मुखालिफ मान करके उनके साथ व्यवहार कर रही है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में तो ऐसे आए हैं जो वहाँ टैग लगाने की भी बात करते हैं, एक तरह से टर्माइल है, खोल रहा है, चाहे DHU हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, चाहे JNU हो, चाहे DU हो, हर जगह बोलने और लिखने, संगठन बनाने, धरना प्रदर्शन रैली करने पर पाबंदी लगाई जा रही है। आपने एक अच्छा काम किया है, हम आपको साधुवाद देते हैं, बधाई देते हैं, टूटा के लोगों ने किया हो या यहाँ के शिक्षक नेताओं ने किया हो, कि शिक्षक कर्मचारी और छात्रों की एक एकता की पहल की है और सबको मिला करके उनके प्रतिनिधियों को हम समझते हैं कि उनके प्रतिनिधि ही है और अगर तमाम शिक्षक और छात्र और कर्मचारी जिस दिन एकजुट हो जाएंगे उस दिन कोई भी ताकत, किसी भी सरकार की ताकत आपसे नहीं मोड़ सकती है, आपको नजरअंदाज नहीं कर सकती है। मैं समझता हूं कि अभी मौजूदा दौर की जो सरकारें हैं वो बांटने का काम कर रही हैं, शिक्षक कर्मचारी छात्रों में बांटने का काम कर रही हैं, विचार के आधार पर बांटने का काम कर रही है, जाति के आधार पर बांटने का काम कर रही है, मजहब की बुनियाद पर बांटने का काम कर रही है। तो ऐसी स्थिति में एक बड़े अभियान की जरूरत है जोड़ने का, आपने जोड़ने का काम शुरू किया है छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों का। ये 30% जो कटौती हुई है, नहीं गला ही खराब है पानी से, ना पानी से तो 30% जो कटौती है वो कहां से पूरा होगी? क्या ये तो ही तरीका है कि छात्रों पर उसका बोझ डाला जाए?
उसकी पूर्ति करो, यही रास्ता है। या तो छात्र लाए, तो ये स्थिति है। और ठीक हमारे पूर्व के शिक्षक नेता ठीक कह रहे थे कि ये सिर्फ दिल्ली के विश्वविद्यालयों से बात बनने वाली नहीं है, पूरे देश में इस तरह की यूनिटी की पहल होनी चाहिए। और जान लीजिए, कोई सरकार उसका मुखिया अगर उसका माथा फिर जाता है और वो तानाशाही रवैया अपना लेता है, मनमानी करने लगता है, तो जो पार्टियों के लोग होते हैं वो तो मोटा मोटी अपनी अपनी पार्टियों के जरखिरदार गुलाम हो जाते हैं। अभी हमारे पीछे नॉन टीचिंग जो स्टाफ है उनके नेता कह रहे थे कि भाई आप एमपी लोगों को हम लोगों ने अपनी समस्या लिख करके भेजा है, हम लोगों का बोनस 2 साल से नहीं मिल रहा। हमने कहा कि अरे भाई, बीजेपी के एमपी लोग हम लोगों से रोना लोग को रहे हैं कि भाई हम लोगों के सब सुविधाओं में वास्तव में कटौती हुई है, आप लोग अपोजिशन के हैं, जरा आवाज लगाइए। वो लोग हम लोगों से सिफारिश कर रहे हैं, तो यहाँ बड़ा मुश्किल है, किससे फरियाद किया जाए? जहां बेदर्द हो हाकिम फरियाद क्या करना, किससे फरियाद कीजिएगा? और एक ही रास्ता है, और आप लोगों को ऐसे कारखाना के मालिक हैं, ऐसे जगह में रहते हैं जहां कोरा कागज आता है, आप लोग उस कागज पर जो चाहे लिख सकते हैं। आप यूनिवर्सिटी में 50-50 मिनट का लेक्चर देते हैं, युवा पीढ़ी के साथ रहते हैं, जवान लोगों के साथ खुद भी आपका दिमाग और दिल उर्वर रहता है। आप उनके कोरे कागज पर इनकलाब लिख दीजिए, क्रांति लिख दीजिए, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि हम पार्टियों के लोग, पॉलिटिकल पार्टियों के लोग भी, आज कई पार्टियों के बड़े बड़े नेता डरे हुए हैं, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो लोग भी अपनी कई कमजोरियों के चलते भी डरे हुए हैं। देश में इस निरंकुश सत्ता के खिलाफ जो एक तानाशाही की तरफ बढ़ रही है, इस तरह से एक इमरजेंसी लागू हुई थी 74 में, वो तो घोषित रूप से लागू हुई थी, अभी अघोषित रूप की इमरजेंसी इस देश में लागू है। इसका मुकाबला कोई बड़ा जन आंदोलन कर सकता है? आप दानिश्वर तबके के लोग, बुद्धिजीवी लोग, आपके साथ वो तमाम साधो समान है या नौजवान, वो इनकलाब की पढ़ाई आप पढ़ाइए उनको, बेशक आप कोर्स पढ़ाइए, बेशक आप पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाइए, लेकिन उसके अलावे उस समय निकाल करके एक मिशनरी झील के साथ उनके हॉस्टल में जाइए, उनको अपने साथ बैठाइए और उनको समाज परिवर्तन की और इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई की भी तालीम दीजिए। इसका समय आ गया है। इसके अलावे कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, मेरी समझ से कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। आपकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है, आपकी लाचारी और बेबसी शिक्षा आम लोगों के हाथ से निकलती जा रही है। ऐसे ही निजीकरण का जो दौर चला है, सरकारी नौकरियों में, आपकी नौकरियों में, शरद यादव जी अभी ठीक कह रहे थे कि ये पूरी उल्टी उल्टा क्षेत्र चल रहा है, और ऐसा आप तो कह रहे हैं कि हमारे अधिकार, हमारी सुविधाएं, हमारी परेशानियां बढ़ाई जा रही हैं, हमारी सुविधाएं, सुख सुविधाएं कम की जा रही हैं, या तो बोलने पर पाबंदी लगाई जा रही है,
यहाँ तो संविधान को बदलने की साजिश हो रही है, यहाँ तो जमहूरियत का डेमोक्रेसी का गला घोटने की साजिश हो रही है। आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, दुनिया में जहां कहीं भी फांसी की माया है, तानाशाही आई है, डिक्टेटरशिप आया है, वो किस रास्ते से आया है आप लोग देख लीजिए। उन तमाम चीजों के, फासिज्म के, डिक्टेटरशिप के, तानाशाही के तमाम लक्षण साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं इस सरकार की क्रियाकलाप में। तैयारी उस तरह से करनी होगी। मैं कहना चाहता हूं किसी मेमोरेंडम से और किसी धरना और प्रदेश के लिए करना है, गोलबंदी के लिए करना है, लोगों को जगाने के लिए करना है, लेकिन मेरा मानना है कि ये ऐसे लोगों से पाले पड़ा है कि ये सुनने वाले नहीं है। ये सुनेंगे तो जन आंदोलन की भाषा सुने, किसानों के साथ मिलकर के, मजदूरों के साथ मिलकर के, शिक्षक और कर्मचारी उनकी क्यादत करें, खुद की भी सरकार उनकी क्यादत करें। आपने देखा ये सरकार जो भी बनी थी, इस देश के बड़े बड़े जो दानिश्वर तबकों के लेखक हैं, कलाकार हैं, उन लोगों ने अपने मानव उपाधियां लौटाई इस सरकार के सामने, कोई सुनने वाला नहीं है। आपने देखा चीफ जस्टिस जहां बैठते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चार चार सीनियर जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अद्भुत बात थी, ऐसा कभी नहीं हुआ था इस देश में, शायद दूसरे देशों में भी नहीं हुआ था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो अपना दर्द, वो अपनी व्यथा किस तरह से तमाम नॉर्म्स को, तमाम परंपराओं को, संविधान के तमाम बातों को दरकिनार करके किस तरह से काम हो रहा है। जुडिशियरी को अपने मुट्ठी में करो, सीबीआई को अपने मुट्ठी में करो, ईडी को अपने मुट्ठी में करो, यूनिवर्सिटीज में जो टैंक बैठाने की बात करते हैं वहां टैंक बैठाओ। वो जानते हैं डर है, यही है कि इनकलाब की चिंगारियां निकलने का यही सब जगह है, तो उन सब जगहों पर पहरेदारी हो रही है। तो ऐसी स्थिति में वैचारिक रूप से एक नई पीढ़ी पैदा करने का ऐतिहासिक दायित्व आपके कंधे पर है। अगर आप इस दायित्व को नहीं निभाएंगे तो इतिहास आपको भी रेखांकित करेगा। इस बात को कुर्बानी चाहे जो देनी हो कुर्बानी दे, लेकिन ये दूरगामी काम, दूरगामी सोच के साथ आपको ये करना होगा। मेरी समझ से इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। देश वाकई बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है और जो संविधान है जिसको लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, उस संविधान को भी पलटने की और बदलने की कोशिश की जा रही है। और जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, जो हमारा सांप्रदायिक सौहार्द है, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आप देख रहे हैं ये कह रहे हैं 30% कटौती। अरे भाई ये 11,365 करोड़ रुपया पीएनबी कहता है, क्या उसका नाम दिया है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, होता है एलयू आई लव यू। पीएनबी कह रहा है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग नहीं, हमने कहा कि पीएनबी कह रहा है, ये कौन मोदी जी है जो लेके भागे हैं? अरे कोई मोदी हो, नीरव मोदी जी को कह रहा है पीएनबी आई लव यू मोदी जी, नीरव मोदी जी आई लव यू, ले लीजिए ये लव लेटर अंडरटेकिंग ले लीजिए और सिंगापुर के ऐसे इतना पैसा निकाल करके और भाग जाइए। कौन भगाया? खबर थी आपको, आपने भगाया है विजय माल्या जो हम लोगों के साथ पार्लियामेंट में था, एक हफ्ता तक आया, तमाम मंत्रियों से मिल रहा था, गुपचुप बातें कर रहा था। एक हफ्ते बाद हम लोगों ने देखा कि वो भाग गया। क्यों नहीं आपने लुकआउट नोटिस जारी किया? विजय माल्या का तो लुकआउट नोटिस जारी भी
भी हो गया था उसको अरेस्टिंग से रोका। इसको ये इसको अगर रोकवाया होता, लुक आउट नोटिस जारी किया होता, ये विदेश नहीं भाग सकता। लेकिन क्यों नहीं भगाएंगे? तो भाइयों, एक किसान, एक छोटा व्यापारी कोई दो चार पांच लाख रुपए बैंकों से लोन लेता है तो उसको तो हथकड़ी लगा देते, उसका बैंक दसिया जब्त कर लेते, उसका चौकट कबाड़ी उखाड़ लेते, उसको तहसील में ले जाकर के बंद कर लेते, सामाजिक अपमान के चलते वो खुदकुशी कर लेता, आत्महत्या कर लेता। लेकिन ये करोड़ों करोड़ रुपए लेकर के भागने वाले लोग ये आसानी से भूल रहे। वहां किसी शोरूम के हीरे की दुकान के शोरूम का उद्घाटन कर रहे हैं और इधर देश में तूफान मचा हुआ। तो ये कौन लोग है? ऐसी विकट स्थिति में कोई शॉर्ट कट रास्ता नहीं है। उस लड़ाई की तैयारी कीजिए और उस लड़ाई के लिए लोग तैयार, ईमानदारी से कोशिश करने की जरूरत। मैं सिर्फ आप ही को नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी जमात को भी कह रहा हूँ, ईमानदारी से कोशिश करने की जरूरत। मैं पत्रकार भाइयों को भी कह रहा हूँ, वहाँ भी यही बेरुखी है, मालिक का कुछ फरमान है, रिपोर्टर चाहता है नहीं लिख पाता है, वहाँ भी गुलामी है। पॉलिटिकल पार्टियों में गुलामी, सुप्रीम कोर्ट का हालत देख लिया, मीडिया की गुलामी, सब तरह गुलामी चल रही है। ऐसी स्थिति में इनकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ आगे बढ़ने के लिए हर कुर्बानी की के जज्बे के साथ, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं तो यही समझता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।